हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। आज हम विंटर्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स आजकल हम लोग अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो है खूब अच्छा सा गार्डन हमारा क्रिएट होगा विंटर्स का, खूब सारे फ्लावर्स आएंगे। लेकिन हमें उनमें से ढेर सारे फ्लावर्स कैसे पाने हैं, कैसे उन्हें बिजी करना है और हमें उनका किस तरह से ख्याल रखना है, इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं आप लोगों से। क्योंकि प्लांट्स तो लगा लिए हैं और जब हम लोग प्लांट्स लगाते हैं छोटे छोटे होते हैं उनमें फूल भी आ जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनको सॉरी किस तरह से मेंटेन करना है ताकि वो हमें ढेर सारे फ्लावर्स दें और देखने में भी खूबसूरत लगे। जैसे आप लोग देखिए ये सालिबा पे, जब हमने ये सालविया लिए थे इन पे फ्लावर्स थे, मैंने जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें थे, तो मैंने ये सारे फ्लावर्स यहाँ से ऐसे कट कर दिए, क्योंकि फ्लावर्स से क्या होगा फूल आएंगे तो नीचे से ये छोटे छोटे जो किले हैं ये नहीं आएंगे, फूल ही आते रहेंगे। जैसे ये देखिए अब इस पर फूल जैसे ही आएगा मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था तो ये दो किले आ गए, इसी तरह से कट, ये देखिए किला निकलने लग गया, इसमें कट करते रहेंगे तो ये घना हो जाएगा भूसी, जितना ज़्यादा घना होगा उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। और जो भी पत्ती हमारी बेकार है, येलो है या ज़रा सी भी है, उसको हमें रिमूव कर देना है, वरना प्लांट्स अपना ध्यान उस ओर दे देगा और उसका ध्यान ग्रोथ से हट जाएगा। इसीलिए जैसे ये पत्ती हल्की सी मुड़ी हुई सी, तो हमें इसको भी हटा देना है। ये देखिए इस तरह से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से कुछ ना कुछ होता ही है। और ये मैंने डहेलिया के भी, ये जो छोटी वाली ली थी, मैंने सारे फूल हटा दिए थे दो दिन बाद ही, दो दिन तक मैंने उनको रखा क्योंकि वो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। और इसका मैंने नहीं हटाया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ का फूल तो मैंने कट कर दिया था, यहाँ पे ये दूसरा फूल आया था, ये वो फूल है, इसको भी हमने कट कर दिया है। इसी तरह से बरबीना में भी मैं क्या करती हूँ, ये देखिए फूल आ गया है पर इसको मैं कट कर दूंगी, ये देखिए कलियाँ आई हैं, इसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि हम अभी से फूल लेने लगेंगे तो हमारे पेड़ जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हमें अभी कलियाँ नहीं आने देनी है, जो आती हैं उनको भी कट कर देना है। और हम चाहे तो अभी ये बरबीना वगैरह ऐसे कट करके अभी हम इसको लगा सकते हैं, ताकि हमारे पास और भी ढेर सारे प्लांट्स जो हैं रेडी हो जाएं। और ये देखिए जब ऊपर से कट कर देते हैं तो ये देखिए नीचे से छोटे छोटे कितने सारे किले आ गए हैं, ये देखिए इस तरह से, तो तभी ये प्लांट्स हमारा घना हो जाता है इस तरह से। इसमें भी मैंने कट कर दिया था। और एक चीज़ और है दोस्तों, प्लांट्स हम जब रिपोर्ट कर देते हैं पानी देते हैं, ये देखिए इस तरह से मिट्टी जो है सेट हो जाती है, तो इससे जो है पेड़ पौधों में हवा जो है, जो हमारी जड़ें हैं उनमें हवा नहीं लग पाती, तो हल्का सा हमें साइड से ऐसे ऊपर ऊपर की ये हटा देनी है। कोई भी ऊपर से मत कीजिएगा आप लोग, कोई ऐसी नोकदार चीज़ हो, लकड़ी हो, उससे हल्का सा बस ऊपर ऊपर की कर दीजिएगा, जिससे कि इसकी जड़ों में एयर सर्कुलेशन हो जाएगा। इस तरह से आप कर दीजिएगा, तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स की साइड से हल्के हल्के गुलाई कर देंगे, जिससे कि इसमें एयर सर्कुलेशन होता रहेगा और ये प्लांट अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करेंगे। इसी तरह से समय ही कर हल देंगे। और ये देखिए आप,
अभी मुझे ये डहेलिया भी लगाना है। क्लांचों में भी देख के ही पानी आप लोग दीजिए, देखिए ये अब सूख गया है तब देंगे। लेकिन इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आप लोग वाटरिंग देख के ही करें। क्योंकि कोई कोई प्लांट्स होते हैं जो कि देखने में ऊपर से गीले लग रहे हैं हल्के से, लेकिन फिर भी पानी देना पड़ता है क्योंकि बाद तक वो पत्तियां उनकी मुरझा जाती हैं इस वजह से। जैसे ये केल का प्लांट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये केल का प्लांट है, इसको जो है ऊपर से ये देखिए मिट्टी मुझे गीली लग रही है हल्की सी, लेकिन हम फिर भी इसमें पानी देंगे क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से सारे प्लांट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से दें। गेंदे में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वरना गेंदे की स्टेम जो है बेकार हो जाती है। ये देखिए ये इस तरह से मिट्टी भुरभुरी मिट्टी तैयार करें, ठंड की जितनी भी मिट्टी आप तैयार करें प्लांट्स की सब भुरभुरी होनी चाहिए ताकि उनमें पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकने से प्लांट्स हमारा बेकार हो जाता है। और गेंदे में भी इसी तरह से जो फूल सूख रहा है उसको आप ऐसे कट कर दें ताकि नए नए किले आएंगे। अब ये फूल हमारा सूख रहा है, ये देखिए मुरझा गया है नीचे से, तो इसको हम पूरी तरह से सूखने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। कट करने से यहाँ से नए किले आएंगे तो वो नए फूल भी आएंगे और हमारा प्लांट जो है घना भी हो जाएगा। और इस तरह से जो भी गेंदे में भी किसी भी प्रकार की पत्ती में आपको कुछ भी दिखता है तो फौरन उसे कट कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारे प्लांट में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगने पाता है और प्लांट हमारा हेल्दी रहता है। ये देखिए इसको मैं अभी इसमें अगर कलियां अभी तक नहीं आई हैं तो ये नीचे से बुशी हो रहा है। ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार की थी, ये वही प्लांट है। आप प्लांट रिपोर्ट कर लें, 10-15 दिन हो जाए आपके प्लांट रिपोर्ट किए हुए, तो आप लोग उसमें जो ये सरसों खली आती है उसकी खाद बना के लिक्विड उसको पानी में भिगो के बहुत ही लिक्विड लाइट उसको बना के उसमें 5 गुना पानी डाल के फिर आप अपने इन सभी प्लांट्स में दीजिए, आपके सभी प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। मैंने तो अपने सभी प्लांट्स में दे दी है सरसों की खाद और उससे जो है प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, रूट्स भी अच्छी रहती हैं और लीव्स में शाइन भी आती है। इस तरह से आप, और ये विंटर्स की सबसे अच्छी खाद है, सरसों की खली विंटर्स की सबसे बेस्ट खाद में आती है जो आपके विंटर्स के प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा रखती है, उन्हें हेल्दी रखती है। तो आप लोग विंटर्स में सरसों की खाद दीजिएगा। ये देखिए मैंने इनमें भी सरसों की खाद डाल दी थी, अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया फिर भी मैंने डाल दी थी। ये देखिए घने भी हो रहे हैं और ये कली भी आ रही है, इसको तो मैं अभी मैं हटा दूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। इसी तरह से हम ये डेंथस है, ये हमारा मैंने उस दिन इनको रिपोर्ट किया है, मैं इनके भी फूल जो हैं अभी कट कर दूंगी ताकि ये हमें अच्छे से खूब ढेर सारे फ्लावरिंग दें, घने हो जाएंगे तो अच्छे से फ्लावरिंग देंगे। अगर हम इस तरह से फूल इनके छोटे छोटे लेते रहेंगे तो ये घने नहीं हो पाएंगे। इन पूरा नीचे से जब ये पूरा पॉट भर जाएगा फुलाएंगे तब देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये स्टेम जो है पूरी हटा दीजिए क्योंकि यहाँ स्टेम से तो किले आएंगे नहीं, यहाँ से आएंगे किले, इसलिए पूरी स्टेम को रिमूव कर दीजिए इस तरह से।
ये देखिए दोस्तों, सारे फूल मैंने कट कर दिए। इसी तरह से हम अपनी डहेलिया के भी फूल कट कर देंगे। ये सारे फ्लावर्स मैंने कट कर लिए, डहेलिया भी कट कर दी। अब इन सबको हम फेंकेंगे नहीं, इन सबको हम पानी में, मैंने प्याज के छिलके डाल रखे हैं उसी में इनको डाल देंगे, फूलों को, हमारी प्याज के छिलके और फूलों की खाद। ये देखिए छिलके भीग रहे, इसी में डाल देंगे, खाद बन जाएगी। फिर इसको उठा के मैं खाद वाले में डाल दूँगी और इस पानी को अपने पेड़ों में डाल दूँगी, उनको अच्छी सी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि फूल ये फ्रेश हैं, बेकार तो है नहीं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।